आज हम देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में एक ओप एम्प यूज करते हैं हम लोग, उसको इनवर्टिंग टर्मिनल को हमने एक आर लगाया गया है, एक रेजिस्टर लगाया गया है और एक नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज लिया गया है। सो यहाँ पे जो ओप एम्प है वो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एक स्कीमेटिक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन ए रहता है। इसमें वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में एक ओप एम्प है और एक फीडबैक सर्किट है। यहाँ पे हमने एक ओप एम्प लिया है और एक फीडबैक सर्किट लिया। जो फीडबैक सर्किट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है और जो ओप एम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सीरीज फीडबैक में ओप एम्प के अक्रॉस में हम लोड रेजिस्टेंस लगाया है और ओप एम्प और फीडबैक सर्किट के इनपुट में हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है। इसलिए यहाँ पे जो फीडबैक सर्किट जो है इसमें दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक आर वन रेजिस्टेंस और एक फीडबैक रेजिस्टेंस। इसलिए इस सर्किट को हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने इनपुट लिया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को फीडबैक सर्किट अप्लाई किया है। यहाँ पे जो सिग्नल है, जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो रहेगा ए। ओपन लूप वोल्टेज गेन को हम ए से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू रहेगी आउटपुट वोल्टेज टू द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज वी ओ टू द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज वी आई डी इज नथिंग बट द ओपन लूप वोल्टेज गेन। जो भी ओपन लूप वोल्टेज गेन हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन मतलब जहां पे गेन है विद द फीडबैक भी है। तो ये क्लोज लूप वोल्टेज गेन जो है वो ए एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फीडबैक भी यूज कर रहे हैं और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट द क्लोज लूप वोल्टेज गेन जिसमें फीडबैक भी है। और गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे हमें देखनी है, वो है गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट और वो डिनोट होगा कैपिटल बी से और वो रहेगा वी एफ डिवाइड बाय वी ओ। वी एफ रहेगा हमारा फीडबैक वोल्टेज। जो फीडबैक सर्किट को हमने आर एफ के अक्रॉस जो फीडबैक वोल्टेज लिया है वो रहेगा फीडबैक वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज वी ओ, ये रहेगा गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में, डिफरेंट पैरामीटर्स है जैसे कि निगेटिव फीडबैक है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन है, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज आइडियली जीरो, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, बैंडविड्थ विथ फीडबैक, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ फीडबैक, वोल्टेज फॉलोअर, इस टाइप के डिफरेंट पैरामीटर्स हमें देखने हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में।